फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैं घर से निकल चुकी हूँ थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। आइए, आपको भी मैं आज इंडियन ग्रोसरी स्टोर लेके जाती हूँ और यहाँ की एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर की छोटी सी झलक दिखला देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई हूँ क्वालिटी फूड स्टोर। ये मेरे एरिया का सबसे बड़ा इंडियन ग्रोसरी स्टोर है और यहाँ जाते साथ ही सबसे पहले मुझे वो चीज़ दिखती है जो मुझे दूसरे स्टोर में नहीं मिलती है, जो कि है मैगी। तो यहाँ पर बहुत सारी मैगी पड़ी हुई थी, ये छोटे छोटे कैन पड़े हुए थे कोल्ड ड्रिंक के और साथ ही साथ बड़ी बॉटल्स भी थी, लिमका, थम्सअप, कोल्ड ड्रिंक वो सब की। साथ ही साथ यहाँ पर खूब सारे नमकीन, रस्क बहुत सारे पड़े थे, अलग अलग वराइटीज़ की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। आलू भुजिया हो गया और दूसरे बहुत सारे तरीके के नमकीन, मेथी सेव हो गई, अलग अलग तरीके के छोटे छोटे पैकेट, बड़े पैकेट, सभी चीज़ें यहाँ पर बहुत आपको आसानी से मिल जाती हैं। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ लेने के लिए मैं ग्रोसरी स्टोर जाती हूँ वो है सब्जियाँ। यहाँ पर एक ख़ास बात होती है कि जितनी सब्जियाँ होती हैं वो खुले मिलती है, आपको पैकेट्स में नहीं मिलती। तो ताज़ी धनिया, मेथी, पुदीना, गाजर, टमाटर, शलगम, जो चीज़ चाहिए वो सभी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें जो दूसरे सुपर स्टोर में नहीं मिलती हैं, जैसे कि नारियल हो गया, कच्ची छोटी वाली हल्दी हो गई और अरबी हो गई, ड्रमस्टिक्स हो गई, ये चीज़ें जो दूसरी जगह नहीं मिलती ये भी ये इंडियन स्टोर में हमें मिल जाती हैं। नींबू, बहुत अलग टाइप के नींबू हो गए, छोटी छोटी टिंडी हो गई, कच्चे वाले केले हो गए, साथ ही साथ और दूसरी हरी सब्जियाँ हो गई जैसे कि करेले हो गए, भिंडियाँ हो गई, ये चीज़ें जो हैं वो मुझे बाकी स्टोर में, तोरी, लौकी, टिंडे, ये चीज़ें दूसरे स्टोर्स में नहीं मिलती हैं और ये स्पेसिफिकली लेने के लिए इंडियन ग्रोसरी स्टोर ही आना पड़ता है। गवार हो गई, बीन्स हो गई, इसके अलावा शिमला मिर्ची हो गई जो अपन कैप्सिकम यूज़ करते हैं वो, साथ ही साथ भरते वाले बैंगन हो गए। तो इस तरीके की सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिल जाती है वो है ताज़ा वाला कड़ी पत्ता जो दूसरे स्टोर में मुझे कहीं नहीं मिलता है। अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लेने के लिए जाती हूँ वो है इडली का बैटर। ये बहुत मुझे पसंद आता है, यहाँ का इडली का जो बैटर है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं मिलती है और बहुत आसानी से आप घर पर ही इडलियाँ बना सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर कई तरीके की मिठाइयाँ भी होती हैं, लड्डू हो गए, जलेबियाँ हो गई, बर्फ़ी हो गई, रसमलाई हो गई, बहुत सारी बर्फियाँ भी आपको, मिठाइयाँ भी मिल जाती है। मैं हालांकि मैंने नहीं ली लेकिन सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत तरीके के मसाले भी मिल जाएंगे, जो बेसिक मसाले होते हैं वो भी सारे आपको मिल जाएंगे, जो सूखे मसाले, खड़े मसाले, बहुत सारी कंपनीज के, MDH के, एवरेस्ट के, जो चाहिए आपको यहाँ पर मसाले भी एकदम आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको दूसरे जगह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही स्टोर में आपको घर का सारा सामान मिल जाता है। जैसा आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमें चावल, इतनी सारी वैरायटीज यहाँ पर मिल जाती है, आपको 5 किलो का पैकेट चाहिए, आपको 10 किलो का पैकेट चाहिए या बड़े बड़े 20 किलो के चावल के, आटे के, दाल के, छोले, राजमा, सभी टाइप्स की दालें हो गई, सभी छोटे पैकेट, बड़े पैकेट, आपको बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स, बहुत सारा तरीके का आटा, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर, बेसन, सूजी, पोहा, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर इंडियन ग्रोसरी स्टोर में अवेलेबल एकदम आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा घर पर हम जो छोटी मोटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, साबुन, पेस्ट और जो भी चीज़, वो भी यहाँ पर एकदम आसानी से मिल जाती है। तो चलिए, मैंने अपनी शॉपिंग को कंप्लीट कर दी है, अब आपको मैं फटाफट घर जाकर मिलती हूँ। तो अपना सामान लेकर मैं घर आ गई हूँ, ये सभी चीज़ों को मैं फटाफट से समेट देती हूँ, फटाफट अपने दूसरे कामों में लगती हूँ और आप लोगों को मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्द मेरे दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग्स का इंतजार करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।